सबको खुश नहीं रह सकते क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं और आवश्यकताएं अधिक होती हैं, और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है, ना भी बोलने का अभ्यास होता है। और ये अभ्यास आप लोगों का होना चाहिए, हर चीज़ में हाँ बोलना ये भी ठीक नहीं है, और कभी कभी किसी की नाराज़गी भी बोल लेनी पड़ती है। सबको खुश नहीं रह सकते क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं और आवश्यकताएं अधिक होती हैं, और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है, ना भी बोलने का अभ्यास होता है, और ये अभ्यास आप लोगों का होना चाहिए, हर चीज में हाँ बोलना ये भी ठीक नहीं है, और कभी कभी किसी की नाराजगी भी बोल लेनी पड़ती है। नहीं समझे? नहीं समझे? अभी नहीं समझे? समझ गए? अकले मंदी सर, अब इतना नहीं समझेंगे तो काउंट का एक अधिकारी जाते जाते बच गए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। रक्षा मंत्री का एक महत्वपूर्ण जो बयान है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, हम सबको खुश नहीं कर सकते, मना करने की भी आदत होना जरूरी है। उन्होंने यह बात डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के स्थापना दिवस के दौरान कही। दोस्तों इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि वन रैंक वन पेंशन के तहत जीसीओआर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर इक्वल एमएसपी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, या सरकार उनकी बात को नहीं सुनने वाली? तो इसका मतलब ये है कि क्या ये अंदर ही अंदर पूरा खेल चल रहा है सरकार के अंदर? उनकी जो ज़्यादातर बातें थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड थी, फाइनेंस से रिलेटेड उनकी ज़्यादातर बातें यहाँ पर रही। साथ ही उन्होंने एक यहाँ पर अधिकारी का जिक्र किया कि जाते जाते बच गया, तो क्या उनका इशारा ईएफटी के जज, जो कि पूर्व सैनिकों की या सैनिकों की जो भी केस होते थे जिससे कि एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट परेशान था, क्या उन्होंने उनका यहाँ पर उनका ही मेंशन किया? और बड़े ताजुब की बात है कि यहाँ सब वहाँ हंसते हंसते कह रहे थे, यानी कि मुस्कुरा रहे थे और अपनी बात को कह रहे थे। इस पर एक कर्नल साहब ने क्या बात कही, तो इस पर कर्नल अमित कुमार साहब ने एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि शॉकिंग डिफेंस मिनिस्टर साहब, इज इट यू? यहाँ शॉकिंग है रक्षा मंत्री जी, क्या यहाँ आप ही हैं? विटनेस अंडरस्टूड व्हाट यू कमेंडेड, विटनेस अंडरस्टूड है कि आपने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस ऑफ दिस कमेंट, सुप्रीम कोर्ट को आपके कहे हुए पर नोटिस देना चाहिए। इज इट नॉट एन अटैक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्या यहाँ स्वतंत्र न्यायालय पर प्रहार नहीं है? एज आई सेड अर्लियर, माई वे और हाई वे सेम ऑन सच अनकॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट। सारा मानी जी आपको इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल माइंडसेट के ऊपर जो आपने यहाँ पर बात कही है। और अकाउंट डिपार्टमेंट तो अपने आप में ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी लेकर आप सबको खुश नहीं रख सकते, कोई न कोई नाराज होगा, पक्की बात है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। और देखिए, नहीं समझे अभी? नहीं समझे? समझ गए? अकले मंदी सर, देखिए आपके यहाँ के एक अधिकारी जाते जाते बच गए। नहीं समझे? अकले मंदी सर, अब इतना नहीं समझेंगे तो काउंट का काम करेंगे। क्योंकि सबको खुश नहीं रह सकते क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं और आवश्यकताएं अधिक होती हैं, और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है, ना भी बोलने का अभ्यास होता है, और ये अभ्यास आप लोगों का होना चाहिए, हर चीज़ में हाँ बोलना ये भी ठीक नहीं है, और कभी कभी किसी की नाराज़गी भी बोल लेनी पड़ती है। लेकिन इतनी चुनौतियों के बाद भी आपके यहाँ रसिका चौबे जी ने भी और उनकी लीडरशिप ने, इस विभाग ने जिस तरीके से काम किया है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, उसकी मैं सराहना करता हूँ, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आने वाले समय में यह डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट और फ्लोरिश करे, फले फूले, आगे बढ़े। साथ ही साथ मुझे यह भी विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार निष्ठा और लगन के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह भविष्य में भी करते रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कई अवसरों पर आपसे कहा है कि आप IIMs, ICAI जैसे रिप्यूटेड एकेडमिक और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं के साथ कोलेबरेशन करें और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार
कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल बनवाकर उसको अडॉप्ट करें। एक सुझाव मेरा आप लोगों के लिए यह भी है, शायद इस काम को आप करते भी होंगे क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। साथियों, आपके कई सारे कामों में एक बेहद महत्वपूर्ण काम है फाइनेंशियल एडवाइस देने का। जब भी कोई यूजर एजेंसी कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहती है तो उनको फाइनेंशियल एडवाइस देते समय आपके लिए दो ब्रॉड मोटी मोटी दो बातें होती हैं, उनको समझना जरूरी है। पहला, यूजर एजेंसी की डिमांड का रियलिस्टिक असेसमेंट, और दूसरा सप्लाई साइड की समझ। सप्लाई साइड की समझ से मेरा तात्पर्य यह है कि जो प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है उसके मार्केट के भी हमें समझ होनी चाहिए। जब हम बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और सबसे पहले तो यह कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वाकई प्रोडक्ट की हमें आवश्यकता है या नहीं है, जिसे मैंने अभी रियलिस्टिक डिमांड असेसमेंट कहा है। मित्रों, हालांकि प्रोडक्ट की आवश्यकता को लेकर आप सभी पर्याप्त समझ रखते ही होंगे, नहीं रखते तो यहां काम कैसे करते, क्योंकि आप सभी डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि बदलते समय के अनुसार कौन सा प्रोडक्ट हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जरूरी है और कौन सा प्रोडक्ट हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन बाजार से कुछ सामान खरीदते समय जो दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वह होती है सप्लाई साइड के बारे में हमारा नॉलेज, हमारी जानकारी सप्लाई साइड के बारे में। और अर्थात हमें इस चीज के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना होगा कि दुनिया के कौन से डिफेंस इक्विपमेंट किन की कीमतों पर यह अवेलेबल हैं, और जिस कास्ट पर हम कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उससे कम कास्ट पर उतनी ही इफेक्टिवनेस या उससे ज्यादा इफेक्टिवनेस का प्रोडक्ट मार्केट में कहीं और अवेलेबल है या नहीं है। यदि इन दो चीजों की आपकी समझ अच्छी रहेगी तो मेरा विश्वास है कि इससे आपकी फाइनेंशियल एडवाइस की क्वालिटी में स्वाभाविक रूप से इजाफा होगा। और अब इस समझ को डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि आप इसके लिए दो तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप अपने विभाग के अंदर ही एक ऐसा इन हाउस मैकेनिज्म बनाएं, कुछ एक्सपीरियंस लोगों की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएं, जिसमें हमारे रिटायर्ड भी ऑफिसर्स इसमें हो सकते हैं, जो मार्केट फोर्सेस के बारे में रिसर्च करें, मार्केट फोर्सेस के बारे में स्टडी करें और आवश्यकता अनुसार अपने फील्ड ऑफिसर्स को हाई क्वालिटी मार्केट इंटेलिजेंस दे सकें। आप सबने ध्यान दिया होगा कि बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने यहां इन हाउस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एंड रिसर्च टीम डेवलप करते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को भी इसी तर्ज पर मार्केट रिसर्च एवं इंटेलिजेंस के लिए इन हाउस टीम डेवलप करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूं। इसके अतिरिक्त दूसरा तरीका यह है कि आप इंडस्ट्री एसोसिएशंस, बिजनेस स्कूल्स आदि के साथ भी कोलैबोरेशन करें, और इसके साथ कोलैबोरेशन करके उनकी सहायता से भी आप मार्केट कंडीशंस के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आपस में मिल बैठकर इस पर विचार करेंगे और ये दृष्टि से भी आप आगे बढ़ेंगे। साथियों, DAD आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत ने भी अपना 76वां वर्ष पूरा किया है। आप सब तो जानते हैं कि यह जो कालखंड है यह कोई साधारण कालखंड नहीं है, यह काल अमृत काल है। प्रधानमंत्री जी ने इसका नामकरण दिया है अमृत काल का, और इस अमृत काल की समाप्ति तक भारत जब अपना 100वां स्वाधीनता दिवस मना रहा होगा और आपका विभाग 300 वर्ष पूरे कर रहा होगा, उस समय यानी 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अब स्वाभाविक है कि यदि हम एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे तो हमारे पास आज की स्थिति से भी कहीं अधिक सशक्त आर्म फोर्सेस की जरूरत होगी, और हमारी फोर्सेस के पास आधुनिक आर्म्स एंड इक्विपमेंट तो होने ही चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास जो उपलब्ध फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो,
सर्विसेज की डिमांड्स और अवेलेबल रिसोर्सेज के आवंटन के बीच एक फाइन बैलेंस भी हो, और इस बैलेंसिंग में आप सबकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका बनने वाली है, और इसके लिए आप स्वयं को तैयार रखे होंगे या तो आप अपने को तैयार करेंगे। साथियों, मैं समझता हूं कि आप आम जिंदगी हो या कोई प्रोफेशन, बैलेंस की बात करना जितना आसान है, उसे इम्प्लीमेंट करना उतना ही लाखों चना चबाने जैसा होता है, मतलब इतना कठिन होता है। पर आप लोगों की काबिलियत की मैं प्रशंसा करता हूं कि आप लोग हमेशा इस परीक्षा में खरे उतरे हैं, इस कसौटी पर आप खरे उतरे हैं, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। और जैसा कि एक अमेरिकी लेखक टॉमस मॉर्टन कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट ए मैटर ऑफ इंटेंसिटी बट अ बैलेंस एंड ऑर्डर एंड रिदम एंड हार्मनी। आज इस अगर देश की सुरक्षा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब जगह संतोष है, तो उसके पीछे आप सभी द्वारा बनाया गया यही बैलेंस, यही ऑर्डर, यही रिदम और यही हार्मनी है। और साथियों, आज हमारे बीच एफएडीएस रिस्का जी चौबे अभी यहाँ पर मौजूद हैं, और अपना कार्यभार यहाँ संभालने के बाद से ही आपने जिस मैच्योरिटी के साथ, तो जिस समझदारी के साथ अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, उसके लिए रस्का जी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।